करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में तकनीकी व सांस्कृतिक उत्सव 2 दिन तक चला। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचली नाटी, भंगड़ा, सोलो डांस, क्विज कंपटीशन के अलावा बांसुरी वादन, माइम और ड्रामा, काव्य संगोष्ठी, कॉमेडी तथा तकनीकी लाइव मॉडल शामिल रहे। उत्सव में विभिन्न विश्वविद्यालय व तकनीकी संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में पंजाबी गायक शिवजोत व संदीप बराड़ ने अपने गीतों के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पंजाबी गायक शिवजोत व संदीप बराड़ ने बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। वेलकम टू करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। हिमाचल के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की हरी भरी वादियों के बीच में बसे हुए करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में आज राष्ट्रीय स्तर के पंजाबी सिंगर्स शिवजोत जी और संदीप बराड़ जी आए हैं, जिनका स्वागत करते हुए मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। वेलकम। थैंक यू। शिवजोत जी का प्लाजो सॉन्ग और संदीप बराड़ जी का सेम टाइम सेम जगह सॉन्ग आजकल यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आज करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अनंत टेक्नो कल्चरल फेस्ट 2K18 में शिवजोत जी ने और संदीप बराड़ जी ने स्टार नाइट में आकर यहाँ पे 4 चांद लगा दिए हैं। तो पहले तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ शिवजोत जी का और संदीप बराड़ जी का। वेलकम सर। थैंक यू जी। थैंक यू। और अब मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इन्हें आनंद टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में आकर कैसा लग रहा है सर? जी पहले तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छा माहौल है यहाँ, इतनी अच्छी वादियों में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हम लोगों को परफॉर्म करके बहुत ज्यादा मजा आया और हम लोग हमेशा ये विश भी करेंगे कि हर साल ये आप ये जो फेस्टिवल है वो आज की तरह सेलिब्रेट करें और हम दोनों यहाँ पे आके परफॉर्म करें। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स काफी सिंसियर है और काफी एंजॉय भी किया उन्होंने। टेक्निकली भी हमने उनके रोल मॉडल्स चेक किए, विजिट किए। सो एक कल्चर का और एक स्टडीज का जो एक तालमेल है वो यहाँ पे नजर आया। और मैं बताना चाहूंगा मैंने भी करियर पॉइंट कॉलेज से अपना बीटेक इंजीनियरिंग किया था, वो मोहाली कैंपस है, और मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो 4 vs 4 वो भी वहां शूट हुआ। तो करियर पॉइंट से काफी पुराना रिश्ता है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। क्लीन एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी सिटी है और पोल्यूशन फ्री एरिया है, तो स्टूडेंट्स लकी हैं यहाँ पे रह के इतने पीसफुल वेदर को एंजॉय करते हैं और पढ़ाई करते हैं। सो सबको परमात्मा जल्द गला बख्शे। एंड सर हाउ डिड यू लाइक द ऑडियंस ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, वॉज इट एनर्जेटिक और व्हाट? हाँ जी, कॉलेजेस के फेस्ट हम हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी हम परफॉर्म करते हैं ना, सबसे ज्यादा मजा यंगस्टर्स में आके आता है। लेकिन यहाँ के क्राउड की तो बहुत क्या बात है, मुझे 2-3 दिन पहले हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए थे पूरे हमीरपुर से। सो बिल्कुल बहुत हमारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और आजकल हमारे जो ऑफिशियल फोन है उन पर बहुत कॉल्स आ रही थी कि सर आप कितने बजे आओगे, कब आओगे। सो जितनी उनकी एक्साइटमेंट थी आज देख के हमें वो सब बहुत बहुत मजा आया। सो द स्टूडेंट्स ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी वर वेरी एक्साइटेड एंड आप लोगों से जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो आप दोनों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आप करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम टू करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। आज हमारे साथ हैं दी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी मिसेस शिवाली राठौर। वेलकम मैम। थैंक यू। तो आइए आज हम मैम से जानते हैं कि कैसा रहा अनंत 2K18। अगर हम बात करें अनंत 2018 की, सो इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेसफुल इवेंट और जिसको हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है। सो ये जो हमारा फेस्ट रहता है अनंत 2018 इस साल जो हुआ, इसमें हमारे पास दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस थे जिसमें हमें स्टूडेंट्स की टेक्निकल इनोवेशंस प्लस उनकी कल्चरल स्किल्स देखने को मिली। अनंत 2K18 में बच्चों ने जो टेक्निकल मॉडल्स रिप्रेजेंट किए उनमें जो मेजर अट्रैक्शंस थी वो रही मैकेनिकल ऑपरेटेड स्लरी मिक्सचर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दे केम अप विद सम हैंड ऑपरेटेड क्लॉथ ड्रायर ऑल्सो
और अलग अलग और भी एग्जीबिशंस रहे जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट, लीगल एड क्लिनिक, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से सैलेड कार्विंग के कॉम्पिटिशन्स, ये सब चीजें जो हैं वो टेक्निकल इनोवेशंस में मेन रही। सो मैम, आपने हमें बताया अबाउट द टेक्निकल इवेंट्स एंड व्हाट अबाउट द कल्चरल इवेंट्स हैपेंड इन अनंत 2K18। अगर हम कल्चरल इवेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कोरियो कैलिबर जो एक परफॉर्मेंस रहती है, उसके अंदर बच्चों ने बहुत सारे सोलो डांसेस, डुएट डांसेस परफॉर्म किए। उसी तरह गूंज जो हमारा एक इवेंट रहता है, उसमें बच्चों ने बहुत ही उमदा सोलो सिंगिंग के परफॉर्मेंसेस दिए। उसके अलावा बहुत से ग्रुप डांसेस रहे जिसमें भांगड़ा, नाटी, ये मेन अट्रैक्शंस थे। इसके अलावा अगर पहले दिन की कल्चरल नाइट की हम बात करें तो हमारे पास बहुत ही फेमस बैंड परफॉर्मेंस रहा प्राशरा बैंड का, और बच्चों ने उसको बहुत इंजॉय किया। और उसी तरह से अगले दिन भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स रहे जिसमें बच्चों ने परफॉर्म किया। और उस दिन हमारे पास पंजाबी स्टार नाइट थी जिसमें हमारे पास हमारे पंजाबी जो फेमस सिंगर्स हैं शिवजोत एंड मिस्टर संदीप बरार, वो मेन सिंगर्स रहे। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि हमने अपने बच्चों के अलावा पब्लिक को भी यहाँ पे स्टेज प्रोवाइड कराया है इस फेस्ट में, तो शिवाय डांस एकेडमी, आर्कलो स्कूल और इस तरह के बहुत से स्कूल्स के बच्चों ने भी यहाँ पे अपना जो प्रदर्शन है वो हमें दिखाया। और इस पूरे फेस्ट में इस बार जो हमारे पास फुटफॉल था वो 2,500 से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल था, जिसमें हमारी अपनी ऑडियंस और हमारे लोकल जितने भी लोग थे वो सारे इन्वाइटेड थे। तो ये थे हमारे साथ मिसेस शिवाली राठौर, द एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ऑफ करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हु ऑर्गेनाइज्ड अनंत 2K18। तो मैम, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी अबाउट द अनंत 2K18, एंड हम विश करते हैं कि आगे हर वर्ष ऐसे ही इवेंट्स होते रहें और हम उसका मजा लेते रहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।